ये मुझे लगता है ये कुछ खाता नहीं है क्या। الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله हेलो एंड वेलकम टू सबर व्लॉग्स। भाई आज है ईद का दिन और ईद के लिए बड़ी मुश्किल से उठे हैं भले भाई 6 बजे आँख लगी है, 7:30 बजे जमात थी। कारी साहब को इतनी जल्दी थी पता नहीं, खैर उठ गए हैं अब तो, नमाज शमाज पढ़ के आ गए हैं वापस। तो अब हेलो गाइस, ईद मुबारक, सबर व्लॉग्स की इजाजत से और यार चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, मिलियन में सब्सक्राइबर ले जाओ यार, इसका भी ले लो ईद मुबारक। चलो जी ईद मुबारक। ओए तेरे तो यार मिलियन में सब्सक्राइबर कब करने हैं भाई का भाई, बाहर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है लगता है, टिकटॉक पे आना पड़ेगा यार। मैं आपको बताता हूं आप ऑस्ट्रेलिया में जाके डेली व्लॉग करो आप मिलियंस में जाओगे, आपको बता रहा हूं। ठीक है ठीक हो गया, तो अब देखते हैं थोड़ी एक्टिविटी, बच्चे सच्चे क्या है, खाने पीने में क्या है, सारे मामला देखते हैं, पटाखे दिलाने आज। ओके गाइस आपने एक स्टे ट्यून्ड रहना। ईद की नमाज पढ़ ली बड़ी औखी 5 मिनट पहले, बहुत के और जी 1 घंटा सोने के बाद हमने ईद की नमाज पढ़ ही ली है बिल आखिर, तो ये हमेशा से ऐसे होता है। तो भाई ईद का तो यही सिलसिला, बड़े हो गए हैं तो अब तो बस ईद पढ़नी, आगे सोना है, उठना है, खाना खाना है, नब्बे शरीफ पता नहीं क्या क्या मीठे में बनाया होता है। खैर ये तो करके एडवांटेजेस हैं, और मेरी पहली ईद है आफ्टर 5 ईयर्स, पिछली सारी ईदें ऑस्ट्रेलिया में की हैं 8-9, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है, आपको स्वीट डिश खाने छाने बनाने खाने पीने को मिल जाते हैं, तो इस लिहाज से तो बहुत अच्छा मामला रहा। तो जी बच्चे पता नहीं आज क्या, डॉक्टर साहब ये क्या ले गए हैं? सर ये एक चाइना की कोई चीज़ आई है, इसके ऊपर लिखा हुआ कलरफुल क्रिस्टल क्रिस्टल थैनम पता नहीं क्या है, इसमें ना कलर निकलेंगे मुख्तलिफ, ऐसे पटाखा टाइप है, पटाखा टाइप नहीं है ये, ऐसे जहाज टाइप है, चलेगा तो पता लग जाएगा। ये आदि साहब, आदि भाई इधर देखें, हेलो करें ऑडियंस को, हेलो ऑडियंस। तो अब ये इधर चलाएंगे, ये यार आग लगा दे मोहित, पीछे हो जा, तो आग नहीं चल रही यार, ये आग जो है ना थोड़ा सा मसला कर रही है, हवा चल रही है बड़े पीछे हो जाओ यार, कहा कर अब यार क्या कर दिया, जगह ला खराब कर दियो भाई। मोहिब यार सर इतना यार ये व्लॉग खराब लग रहा है, ये आपका व्लॉग का मसला बन रहा है नहीं जलता, काफी मेहनत जा रही है लेकिन नहीं जलता, अगले व्लॉग में चला लेंगे। मोहिब ने आने कहा लिया तो जी बच्चा पार्टी है, पटाखे शटाखे लेके आए क्योंकि अब ईद तो बच्चों की रहेगी, हमारी तो ईदें खत्म हो गई है, वही खाना पीना खा लिया। और रैबिट भी लेके आए भाई, रैबिट किधर है, रैबिट हमारे दिखाता हूँ, रैबिट भी लेके आओ, रैबिट भी आया आज हमारे घर, रैबिट मर तो नहीं गया, रैबिट जो है ना ये मेरे दोस्त का एक उनके बच्चे ने भेजा, ये रैबिट घास में था। ओके तो आज आया है रैबिट इस घर में, ये रैबिट जो है ना ये कुछ खाता भी है क्या, ये मुझे इसका ये मुझे लगता है ये कुछ खाता नहीं है क्या, हाँ खा रहा खा रहा, मैं तो कहता हूँ जैसे हालात है इसको जिबा करके खा ले, यार जिबा नहीं करना क्योंकि ये मैंने वापस करना है भाई, मैं आपको बताऊँ वापस करना, हाँ ये मेरे दोस्त का। मोहिब आप किधर लेके जा रहे हो, क्या बोल रहे हो आप लोग, अबे ये ऐसे ही चलता है, हम कराची के हैं बड़े भाई, अबे इसको बेचना क्या, अच्छा यार जिबा जिबा तो नहीं करेंगे, चलो चलो वापस रख दो उसको मट्टी में, देखो चल अंदर हो गाओ। तो गाय जी आपको याद होगा छोटे होते हम ये लेते थे पिस्तौल में डालते थे, फिर टक 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 करते थे, आधी इसकी पिस्तौल निकालो मोहिब, ये इसकी पिस्तौल है, पिस्तौल काफी डॉक्टर साहब हमारे जमाने में लाल होती थी अब ग्रीन आ गई, जमाना बदल गया दुनिया बदल गई बाबा। तो मोहिब इसमें डालो एक बार, आपको क्या आदि तुम खोलो गन, अच्छा ये वाला यूज हो गया वह तो बाद में ये ऐसे खाली हो जाता है, इसको फेंक देना, डालो मोहिब इसमें एक, ये पटाखा इसमें डलेगा ऐसे, दोनों बच्चा पार्टी बहुत शरारती पार्टी है, अब उस तरह ओ इस तरफ को चलाओ इस तरफ ऐसे, ओके थोड़ा पटाखे का वो नहीं रहा यार क्योंकि अब जारी बात है पटाखा भी महंगा हो गया,
जब कोकोमो में थोड़े आ जाते हैं, अब कोकोमो तो फिर भास्कर पुत्र मोक गए ना। मैंने करनी है लोड यार, उसको भी लोड करनी आती है मोहित बेटा, हम भी कभी बचे थे यार, उसको लोड करनी आती है यार चाचू। यार आपको ट्रिगर का नहीं पता चल रहा है कैसे करना है, सारा दिन वही लोड करते हैं। ये क्या गन लोड कर रहे हो यार, आपसे ये बच्चों वाली गन लोड होती है। मोहित आप लोड कर लेते हो क्या यार? यार ये मोहित यार फोका फायर निकाला चाचे ने, एक और ये भी फोका निकाल दिया। ये चाचा का, ये बच्चा वाला तुझे आ रहा। ये ठीक है, खत्म हो गया भाई 25 में। यार ये उम्र पहले एक बम होते थे ऐसे फूंक मारते थे और दीवार के साथ मारते थे ना, अब नया दौर आ गया कि नया बम आ गया, बस नीचे फेंकना है। वो देखो बम फेंको जरा मोही, ऐसे फेंको जरा, इजी फेंको जरा, ये देखो ऐसे ऊपर में हवा में फेंका है। और देखो कहाँ आगे बात आई, अबे मुझे ये बताना जरा एक मिनट, इसके पाओं के साथ जरा दिखा जरा, मैं तुझे पाओं के साथ दिखाऊं चाचा जरा। ए देख 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 जरा पाओं के साथ चल के दिखाओ। और देखो मैंने फेंक के ही है तो टक हो गया। ये क्या चक्कर है, ये आजकल आपके पाँव से बम आए ने। हाँ ये देख लो, ये देखो ये देखो ये क्या आजकल दौर आ गया है, ये तो काफी टेक्नोलॉजी आ गई टेक्नोलॉजी वो। लेकिन ये देखो अबे वो मां दे दिने होली मार चाचे दे पैर मारी जाना मेरे ना मार। मैंने आपको दिखाना था ये तरमान चौक है, शकरगढ़ का मशहूर चौक जिसे शहीन चौक भी कहते हैं। फौजियों ने लाया ये शहीन मजार। तो जी ये आज आपको थोड़ा सा शकरगढ़ दिखाया गया, दुध की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई शकरगढ़ से, दुध लेना है सर, चाय नहीं पीती सुबह की, तो गुजरा के घरों में दुध मोक गया, ये भी लात हो जाते हैं, तो दूध लेने आए हैं तो वो घर जाके चाय शाय पियेंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और मीठा बोल बोलें। अस्सलाम वालेकुम।